राहुल वैद्य के बारे में दोस्तों मैंने आपको एक बहुत ही तगड़ी बात बताई थी कि किस तरीके से राहुल वैद्य ने भी ऑफिशियली कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी बातें बोल दी हैं कि उनकी एंट्री होने वाली है। अब ऐसे में जनता के मन में है एक्साइटमेंट और जनता ने कर दिया है ये बड़ा काम। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, और आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि राहुल वैद्य जो है उनकी बिग बॉस में दोस्तों एंट्री तो पता नहीं अभी कब होगी, लेकिन आज के दिन राहुल वैद्य जो है BP14 मोस्ट गूगल्ड RKV इस तरीके का एक हैशटैग उनके फैंडम ने शुरू कर दिया है। इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट में इस वक्त है दोस्तों, टॉप 10 के अंदर है ये, और जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं 7th पोजीशन पर है। ये कैसे आगे जाएगा हमें नहीं पता, और कितना आगे जाएगा ये भी नहीं पता, लेकिन यस ये मेरा फर्ज था आप लोगों को बताना। इस वक्त जो है मोर देन 1 लाख इसको ट्वीट मिल चुके हैं, रिट्वीट मिल चुके हैं, BP14 मोस्ट गूगल्ड राहुल वैद्य RKV राहुल कृष्णा वैद्य। राहुल वैद्य दोस्तों जब आएगा तो शो में एक अलग जान आएगी, इतना तो हमें पता है, शो में अलग मुद्दे निकलेंगे ये भी हमें पता है, और प्लस अभी राहुल ने सारी चीजें एनालाइज करनी होगी तो वो सोच समझ के सारे मुद्दे और सारी चीजें क्लियर करेगा, ये भी बात हमको पता चलेगी दोस्तों। तो देखना मजेदार रहेगा कि राहुल का जो गेम होगा वो कैसे यू टर्न मारकर आएगा, और कैसे जो आरोप लगाते थे कि ये महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करता तो अब एकदम से बदलता हुआ राहुल हमें नजर आएगा, मजेदार रहेगा। आपको क्या है कहना इस बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वैसे कौन राहुल वर्सेस रुबीना देखना चाहता है, कौन एजाज वर्सेस राहुल देखना चाहता है, या फिर राहुल वर्सेस हो सकता है कि ये जो नए चैलेंजर्स आए इनमें से कोई एक हो, राहुल वर्सेस मन्नू हो जाए क्या पता, या राहुल वर्सेस विकास हो जाए, हमें नहीं पता, लेकिन रियली एक्साइटेड फॉर दैट। व्हाट इज योर रिएक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूल्स।